पाकिस्तान और भारत के बीच एक और बड़ा विवाद पनपता दिख रहा है। पाकिस्तान में भारत में जल रही पराली को लेकर विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब खबर है कि पाकिस्तान इस मामले को भारत के साथ राजनयिक स्तर पर उठाने जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत में जल रही पराली के कारण लाहौर की हवा बद से बदतर हो रही है। लाहौर पहले से ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मैं किसी, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं। पाकिस्तानी इतने बदनाम है यहाँ पर कि उनके वीजे रिजेक्ट होते हैं, इंडियन के वीजे लगते हैं, क्योंकि हर कीम पोस्ट पर आपको इंडियन नजर आएगा। जहां इंडियन नजर आएगा वो अपनी पूरी लॉबी इकट्ठी कर लेता है और पाकिस्तानी फौरन एक दूसरे को भगाते हैं। एक साइड पे खबर ये है कि गल्फ कंट्री, खासतौर पर अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। 47 से लेकर आज तक में दुनिया बदल गई, पूरा का पूरा विश्व बदल गया। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, पूरी जीने का तरीका अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का आज बदल चुका है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती है वो है पाकिस्तान का ऐसा नेचर। जब इनकी जेब खाली होगी तो हिंदुस्तान हमारा भाई है, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान तो ये है, डीएनए एक है, दुनिया भर की बातें पाकिस्तान से होंगी। आज भी यही हो रहा है, आज भी पाकिस्तानी आस लगाए बैठे हैं कि हिंदुस्तान जो है इनकी मदद कर दे। हिंदुस्तान इतना सा सिग्नल देते हैं, मैं बता रहा हूँ, इतना सिग्नल देते हैं हिंदुस्तान, ये पूरा का पूरा ये लेट जाएंगे कि अरे हिंदुस्तान तुम्हारा भाई है, बिरादर है, ये है वो है, दुनिया भर की जहां पैसा दिखेगा इनकी जेबों में। इनकी जेब में अमेरिका $2 बिलियन एक्स्ट्रा डाल दे, अभी तो खाली इकोनॉमी चलाने के लिए, इकोनॉमी सेटल होने के बाद इनके इनको $2-4-5 भी मिल जाए ना, $1 बिलियन, उसमें भी ये हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे पहले युद्ध कैसे करना है वही इनका पहला ख्याल होगा। कातर ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार जल्द ही इस मामले को भारत से उठाने वाली है और उनका ये भी कहना है कि इस मामले में वो बात करके इसका हल भी निकालेंगे। दरअसल पराली नई फसल लगाने से पहले की एक प्रक्रिया के तौर पर बन गई है। इसके कारण पूरे इलाके में भारी प्रदूषण होता है जो कि वायु गुणवत्ता को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका असर लाहौर पर हो रहा है। लाहौर वैसे ही दुनिया का प्रदूषित शहरों में से एक है। भारत के बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर वेस्ट पर ही लाहौर है। पाकिस्तान में भी इस तरह की पराली लेकिन जलाई जाती है ताकि वो अगले फसल को लगाने की तैयारी कर सके। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों ने अपने यहाँ खराब वायु गुणवत्ता के लिए भारत को दोषी ठहराया था। बताया ये भी जा रहा है कि मौजूदा वक्त में बदली हुई हवा का रुख भी इसके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। ऐसी ही कुछ बात पंजाब के मंत्री ने भी स्वीकारी है। नवंबर दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है जाने का दोबारा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, सबसे पहले तो जब से मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा आना जाना हुआ उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उसपे आप देखें मुझे कितनी मोहब्बत मिलेगी वहां जाके, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं जहां जाता हूँ, अब से 2 हफ्ता पहले मैं टेक्सस में था, ह्यूस्टन में मुझे मेरे भाई मिले भारत से जो थे, उन्होंने तस्वीरें खिंचाई मेरे साथ। तो चौसा में तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूँ। उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया जसदीप सिंह हैं जो मेरे भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली में जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का। वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से, इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माय सेकंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूँ जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में बंदे, तो मैं इतना प्यार देते हैं जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते थे आप तो हमारे अपने, आप साइड से हटते हैं आप, तो मैं आप इतना प्यार होता है। और मैं जरूरी समझता हूं, मैं जब भी भारत जाता हूं मैं जाके वहां लोटस, एक वहां दिल्ली के अंदर एक लोटस चर्च है भी आप कह लें, इबादत वाली जगह, वहां जाता हूं मैं लाजमी, कोशिश करता हूं अजमेर शरीफ जाऊं, मैं हरमंदर साहब लाजमी जाता हूँ अमृतसर जाके, और मैं अक्सर मेरा बस सारी जगहों पे मैं जाता हूँ और मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी के साथ जाता हूँ। हर मजहब दुनिया के अंदर जो है वो अच्छा मजहब है अगर उसकी फिलासफी को समझने की कोशिश की जाए। तो मैं अगले महीने जाऊंगा, चौसब आपको बताऊं, बता के जाऊंगा, प्लान करके जाऊंगा, और मेरी ये ख्वाहिश है
एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं और मुझे न्यू लगा दिल्ली से जाकर हरमंदर साहब से, जी जी सर, मुझे हरमंदर लगा साहब आप से कह रहे हैं जाके मैं नेक्स्ट प्रोग्राम मंथ करें। जाऊंगा और आपको, आपने बोला आपको बताकर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊ, मैं कोशिश मेरी है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदर साहब से जाके प्रोग्राम करें। मेरा मेरी ये ख्वाहिश है, आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मैं किसी, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूं, गाड़ियों में घूमता रहा हूं, अभी भी जाता हूं। मेरे साथ जसदीप होते हैं, खैर उसको भी, खैर क्या उसने, हम दोनों अकेले पैदल घूमते रहते हैं, बसों में घूमते रहते हैं, लेकिन आई एंजॉय। मेरा एक और ख्वाहिश है चौधरी साहब कि मैं गाड़ी लेकर रेंट करके वो सारे भारत को जाके हर शहर से गुजरूं। और दूसरी एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो लास्ट नेम है वो एक तहसील है बिहार के अंदर, और वो उस तहसील से मेरा लास्ट नेम जो तारण है, वो सारे वहां पे हिंदू हैं, मुझे सारे अंकल कहते हैं। सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू कर दिया जी कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है, जो है वो कॉरिडोर का नक्शा वो आजकल बड़ा चल रहा है, तो वो उसमें वो जो है वो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया, बल्कि मैंने भी वैसे मेरा ख्याल है वही शेयर किया हुआ। अब देखिए ना, ये है इंडिया की डोमिनेंस ऑन आईटी। पाकिस्तान ने के अंदर ये पाबंदी है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान का पूरा नक्शा ना जारी करें, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो भी कह लें चलें अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रामिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनली समझा जा रहा है कि सी पैक के खिलाफ जो अमेरिकन एक कंपेन है उसकी एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो उसमें जाहिर है कि ये एक अपने आप को उन्होंने अलाइन किया है। एक बात समझता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नजर आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। अच्छा, मैं ये मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये तो बगैरत लोग हैं, ये मुसलमान है। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है, हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं, खबीर तो ये नकाब अगर उन्होंने बंद किया। 70 सालों के इतिहास में हमने ये चीज बराबर देखी है, कभी भी पाकिस्तान की जेब में थोड़ा सा भी हमको पैसा नजर आएगा, थोड़ी सी भी इनकी जेब से ये आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत नजर आएगी, वहीं हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं है जो करने से पाकिस्तानी पीछे हट जाएं। यहाँ पे बम धमाके करवाना हो, यहाँ पर आतंकवादी भेजना हो, आर्मी के ऊपर अटैक कराना, पब्लिक प्लेसेस में अटैक कराना, हमले कराना, सब कुछ कराना, इससे ले करके कौन सी ऐसी चीज़ है जिसपे इन्होंने जो है वो कुछ भी ना सोचा। अब आप देखिए जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, फिर से एक बार इनको भारत की याद आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 47 में भी पाकिस्तान बटने के बाद भी यहाँ पे कई ऐसे महात्मा थे जिनका ये कहना था कि भैया पूरे भारत भर से वो पैसा इकट्ठा कर करके पाकिस्तान को चंदा देने वाले थे, हालांकि बाद में उनका क्या हुआ सबको पता है। और भी कई सारे ऐसे भारत में प्रधानमंत्री हुए, कई सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने समय समय पर बहुत सारी कोशिशें करी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, समय समय पर करी। अब आप देखो नेहरू जी ने क्या क्या नहीं किया, कश्मीर के मामले पे ढील देने से लेकर जो इंडस रिवर ट्रीटी थी उसमें 80% पानी पाकिस्तान को दे देना, 20% पानी अपने हिंदुस्तान के पास में रख लेना, और वो 20% जो है उसमें भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनऑफिशियली पाकिस्तान को दे देना। तो ये सब वो चीज़ें थी जो कोशिश तो बहुत सारी की गई, अभी ये कोशिश थी या जानबूझ के जो भी हो वो अलग विषय है, पर मुख्य बात यहाँ पर ये आ जाती है
कोशिश बहुत की गई, जब जब इनको जरूरत पड़ती तब तब ये जय जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो हमारा दोस्त है, हिंदुस्तानी तो हमारे भाई हैं, ऐसी बातें कर करके सामने आते रहे हैं। और जहां थोड़ी सी हिंदुस्तानी ने मदद की है उसके बाद तो अक्सर हमने देखा है या तो भारत में बम धमाके हुए हैं, कभी मामले ज्यादा खराब हुए तो पहले इतिहास में वॉर भी हुई है। हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस चलाई थी इंडिया से पाकिस्तान, उसके बाद ही वो कारगिल का युद्ध भी हो गया था। तो भारत की तरफ से हमेशा कदम उठाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जहां इनकी जेब थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जहां इनकी जेब में थोड़ा सा मजबूती आ जाती है, ये उठा करके हमला करना, युद्ध करना, प्रॉक्सी वॉर करना, इससे पीछे कतई नहीं हटते हैं।